नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। BSTC के स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उनसे संबंधित मैं लगभग 30 क्वेश्चंस का ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो मैं आपको बताऊँगा कि किस किस एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम दृष्टि से। परीक्षा के बहुत ही कम दिन बचे हैं, इसीलिए तैयारी में लगाइए पूरा जोर। तो इसीलिए अब आपको रेगुलर हिंदी और GK के जो भी टॉपिक्स है वो मैं आपको करवा दूंगा क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो दोस्तों, मेरी वीडियोज को लगातार देखते रहिएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विपुल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल की घंटी दबा देना, और अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना एक लाइक। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ये पटवार 2011 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसमें ए ऑप्शन है, अपना सम्मान पत्र अपने हाथ में होता है, बी अपनी पगड़ी स्वयं संभालना, सी अपनी पगड़ी स्वयं पहनना, और डी पगड़ी को हाथ में सुरक्षित रखना। तो आप बताइए सही उत्तर क्या होगा जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा ए होगा, अपनी पगड़ी अपने हाथ लोगों के सही उत्तर है, अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है, यानी अपने हमारी जो सम्मान होता है अपने ही हाथ में होता है, कि किसी दूसरे हाथ में नहीं होता। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चले, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ये भी पटवार 2011 में आया हुआ है। तो क्या हो इसके ऑप्शन है, व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, बी पहाड़ के नीचे दबाना, सी अपने को असमर्थ मानना, या डी पर्वत से पत्थर का गिराना। तो सही उत्तर होगा ए, व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, यानी बहुत कई बार कहते हैं ना, उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी जैसे अर्थ करें कि मोहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी दुखों का पहाड़ टूटना ये कि पहाड़ के ऊपर उसके ऊपर क्या नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत आना। तीसरा प्रश्न है, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ए नदी में डूब जाना, बी लज्जा को पानी में डूबो देना, सी नदी से चुल्लू पर पानी निकलना, या डी लज्जा की मारे मुंह नहीं दिखाना। तो इसका सही उत्तर होगा लज्जा की मारे मुंह नहीं दिखाना, यानी कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको कहते हैं कि भाई, उसको कहते हैं चुल्लू पर पानी में डूब मर, यानी इस प्रकार की कहावत कहते हैं, यानी उसका अर्थ होता है कि लज्जा की मारे वो अपना मुंह कहीं नहीं दिखा पाता। अगला प्रश्न, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने मुहावरे का सही अर्थ होगा, कठिन कार्य करना, अपना नुकसान स्वयं करना, कुल्हाड़ी से पैर को काट लेना, पैरों से ऐसे मुझे करना। तो सही उत्तर क्या होगा, अपना नुकसान स्वयं करना, कहते हैं ना कि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, यानी अपना काम खुद ही बिगाड़ देना, यानी कोई काम बनता हो तो खुद ही उसको बिगाड़ देना क्या कहलाता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरती क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। कंगन पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है, सुंदर व्यक्ति को कंगन की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हाथ के कंगन को आईने में दिखाना। इसका सही उत्तर होगा सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यानी कहते हैं हाथ कंगन आर्ट से क्या पढ़े लिखे को फर्श की, यानी किसी को कोई काम प्रत्यक्ष हो तो उसको गवाह या सबूतों की जरूरत नहीं होती है। 6 नंबर प्रश्न की बात करें, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका ए, मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है, कठौती में हाथ धोना, बाहरी बातों में ध्यान नहीं देना, बाई आडम्बरों में अविश्वास। तो सही उत्तर का ए, मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर आपका मन चंगा हो तो आपकी कठौती यानी लोटकी में भी गंगा आ जाती है। जिसका काम उसी को साधे लोकोक्ति का सही अर्थ किस प्रकार का होगा। जिसका जो काम है वह उसी अच्छी तरह से कर सकते हैं, बी काम करने वाले सुशोभित होता है, सी जिसको जो कार्य दी जाए वही करे, डी अच्छा काम सकता है। तो ए होगा, जिसको जो काम है वह उसी ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी किसी का काम हो, जैसे आप ये मान लो कि डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, वो काम कंपाउंडर नहीं कर सकता, और जैसे किसी का काम हो, जैसे जिसको सब्जी बनाना चाहते हैं तो वो सब्जी अच्छी बनाएगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर ट्राई करेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साधे दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। अगला प्रश्न है, किस क्रम में लोकोक्ति सही नहीं है। डाक के 3 पात, तबेले के बला बंदर के सिर, चिंटी के पर निकलना, तू डाल मैं पात। तो सही है, इसमें चिंटी के पर निकलना ना ये लोकोक्ति नहीं है, बाकी तीनों लोकोक्तियाँ है। अगला है, खुशी मनाना किस मुहावरे का अर्थ है। घोड़े के दिन फिरना, घी के दीपक जलना, घर में गंगा बहना, उपयुक्त सभी। तो बी होगा घी के दीपक जलना, यानी घी के दीपक जलने का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। डंका बाजना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है। प्रचारित करना, झूठ बोलना, प्रतिष्ठित हो जाना, शोर करना। तो सही होगा प्रतिष्ठित हो जाना, यानी किसे कहते हैं उसका डंका बजता है वहाँ पर। किस क्रम में मुहावरा है। ए ऊंची दुकान फीकी दुकान, जी जो गुड़ खाए सो कान छिताए,
सी तीन लोग से मथुरा नारी, डी दूर के ढोल सुहाने। तो ये तीनों ऊपर वाले लोकोक्ति हैं और दूर के ढोल सुहाने ये मुहावरा है। अगला प्रश्न, द्रौपदी का तीर मुहावरे का सही अर्थ है बहुत पवित्र, लज्जा हरण, अत्यधिक कुरूप, ऐसी वस्तु जो समाप्त नहीं होता। सही होगा ऐसी वस्तु जो समाप्त नहीं, यानी द्रौपदी का तीर मतलब इतनी बड़ी साड़ी की समाप्ति न हो इस प्रकार से। किस क्रम में मुहावरा नहीं है, भागीरथ प्रयत्न, समझ पर पत्र पढ़ना, असरपिया लूटे कोयले पर मोहर, हाथों के तोते उड़ना। तो सही होगा असरपिया लूटे कोयलों पर मोहर, ये मुहावरा नहीं है। अगला प्रश्न, कहाँ राजा बोध कांगंगा तेलू गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो सही ए है आकाश पाताल का अंतर होना, बी बराबरी करना, सी अत्यधिक मित्रता, या डी बहुत दूर की बात। तो ए होगा आकाश पाताल का अंतर होना। 15वां प्रश्न, छाती पर पत्र रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कठोर हृदय, विपत्ति में भी विचलित न होना, विवश होना, तनिक भी न पसीजना। तो बी होगा विपत्ति में भी विचलित न होना। 16वां प्रश्न है किस क्रम में मुहावरा है, ए दाहिना हाथ, बी समय चूकी पुनी का पुछताने, सी संबंधन बाई से पंसारे, डी नेकी कर दरियामराल। तो सही ए होगा दाहिना हाथ। 17वां नंबर, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ होता है अच्छा तीर्थयात्री, यशस्वी व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति, यही सभी। तो होगा अवसरवादी व्यक्ति, यानी कि जब अवसर मिले वो काम कर जाता है। 18वां प्रश्न, सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति है की है, डाक के तीन पात, तीन लोग से मथुरा नारी, टू डाल डाल में पात पात, इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा तीन लोग से मथुरा नारी, क्योंकि ए और सी के अंदर दोनों में मिलते जुलते हैं। एक नागिन अरुपंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, नागिन के पंख लग जाना, एक दोस्त से दूसरे का एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, सी अत्यधिक जय जड़ना, डी कोई नहीं। तो बी होगा एक दोस्त के साथ दूसरा जड़ना। 20वां प्रश्न है हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ होगा, ए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता, बी जादू का खेल, निसंदेहवाद, कोई नहीं। तो सी होगा निसंदेहवाद, यानी हाथ का आंवला निसंदेह, हथेली का आंवला निसंदेहवाद। 21वां प्रश्न है छतुंद्र के सर पर चमेली का तेल का अर्थ होगा, अयोग्य व्यक्ति को, स्त्री वस्तु का उपयोग, सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को गलत इस्तेमाल, डी कोई नहीं। तो सही होगा अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्री वस्तु को, यानी छतुंद्र के सर पर चमेली का तेल। एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है, अर्थ को स्पष्ट करने वाले लोकोक्ति का क्रमांक क्या होगा, ए हींग लगेना फिटकड़ी रंग चोखा, बी नौ की लकड़ी 90 का खर्चा, सी हाथ के पाँव में सबका पाँव, डी ऊंट की मुंह जीरा। तो सी होगा हाथ के पाँव में सबका पाँव, यानी एक बड़ा प्रयत्न अनेक छोटे प्रयत्नों में बराबर होता है, यानी हाथ के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। 23वां प्रश्न, सम्मान नष्ट करना अर्थ में कौन सा मुहावरा चित्त है, नाक नीची करना, नाक ऊंची करना, नाक टेढ़ी करना, नाक में अकेले रहना। तो सही होगा एक होगा नाक नीची करना। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, अचानक घबरा जाना व अर्थ के लिए मुहावरा है, ए हथियार डाला, बी हाथ पांव मारना, सी हाथों के तोते उड़ना, डी हक्का बकरा देना। तो उत्तर होगा सी हाथों के तोते उड़ना। 25वां प्रश्न, अंधे के हाथ बटे लगना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, ए बिना ताकत की प्राप्ति, बी बिना मेहनत की उपलब्धि, सी बिना आंखों की प्राप्ति, डी बिना आंख के पक्षी को मारना। तो बी होगा बिना मेहनत की उपलब्धि, यानी अंधे के हाथ बटे लगना ये होता है कि किसी को व्यक्ति को अचानक बिना परिश्रम में फल मिल जाए। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का अर्थ है, ए तिलों से तेल न निकलना, किसी प्रकार लाभ की संभावना न होना, तिलों से तेल की आशा न करना, डी निराशा हाथ लगना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी किसी प्रकार लाभ की संभावना न होना। 27वां प्रश्न, अंगारे उगलने मुहावरे का सही अर्थ होगा, कठोर वचन कहना, मुँह में अंगार निकलना, ज्वालामुखी फूट पड़ना, आग का फैलना। तो ए होगा कठोर वचन कहना। अगला प्रश्न, कलेजा फटने मुहावरे का सही अर्थ है, हृदय का विदीर्ण हो जाना, मृत्यु हो जाना, असह्य दुख होना, हृदय का कमजोर होना। तो सी होगा असहनीय दुख होना। किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है, आंखें खुलना, कौवा तले हंस की चाल, कान का कच्चा, अंगारे उगलना। तो बी कौवा तले हंस की चाल, ये मुहावरा नहीं है लोकोक्ति। किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देने का सही अर्थ है, सिक्का जमाना, सिर उठाना, सब्ज बाग दिखाना, सिर खपाना। सही होगा सब्ज बाग दिखाना। तो BSTC के स्टूडेंट्स, ये थे 30% जो मैंने आपको बता दिए कि ये लोकोक्ति और मुहावरों की वो 30% है जो पटवारी एग्जाम 2011 में अलग अलग दिलों से पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो हमारा जो लोकोक्ति मुहावरों वाला है, ये कैसा लगा ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अपने भाई का चैनल और सपोर्ट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाकर सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। और भी हमारे वीडियो बनाए हुए हैं BSTC PTET पर, आप उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ जल्द ही, धन्यवाद।